हेलो एवरीवन आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 ये टॉपिक हमारा अब तक पेंडिंग था आज हम इसको कवर करने वाले हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 इज़ नाइनटीन इज रिपोर्ट इन द सीरीज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 ये रिपोर्ट दिसंबर में 2019 में रिलीज की गई थी और इस सीरीज की सिक्सटींथ रिपोर्ट है ये आपको याद रखना है सिक्सटींथ रिपोर्ट है ये और फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी 1987 में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज अ दल पब्लिकेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट बाइनियल है मींस दो साल में एक बार रिलीज होती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा विच इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज दिस रिपोर्ट असेस द फॉरेस्ट कवर मैन कवर फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडावर्सिटी फॉरेस्ट फायर ट्री कवर बेम्बू स्टोक एंड फॉरेस्ट कार्बन इट ऑल्सो क्रिएटेड अ नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री क्रिएट की गई है जिसमें फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस होता है जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उसकी डिटेल्स उसमें इन्वेंट्री में रखी जाती है नाउ वट इज फॉरेस्ट कवर एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ये दो कॉमन टर्म्स हैं जो यूज़ की जाती हैं फॉरेस्ट के एक्सटेंट को डिस्क्राइब करने के लिए फॉरेस्ट कवर रेफर्स टू ऑल लैंड्स मोर देन वन हेक्टेयर इन एरिया विद अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन टेन परसेंट जो लैंड एक हेक्टेयर से ज्यादा है और वहाँ पर ट्री कैनोपी डेंसिटी टेन परसेंट से ज़्यादा है चाहे वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो वो फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड होगी अब कैनोपी क्या होती है फॉरेस्ट कैनोपी इज द अपर लेयर ऑफ फॉरेस्ट फोर्म बाय मैचोर ट्री क्राउंड जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आप नीचे से देखेंगे तो ये जो इंडिविजुअल प्लांट मिलकर कैनोपी को बनाते हैं ये टॉप लेयर होती है फॉरेस्ट में नेक्स्ट इज व्हाट इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जिसको फॉरेस्ट एरिया भी कहते हैं इट इज द एरिया विच इज फाउंड रिकॉर्डेड इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स यानी कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जिसको एज अ फॉरेस्ट रिकॉर्ड किया गया है उसको कहेंगे रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड फ़ॉरेस्ट फ़ॉरेस्ट एरिया। एरिया में रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी इंक्लूड होते हैं विच हैव बीन एस्टेब्लिश अंडर प्रोविजंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में और मेन ऑट है फॉरेस्ट कवर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बाउंड्रीज का डाटा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं आर एफ फॉरेस्ट एरिया स्टेट फॉरेस्ट स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं नेक्स्ट इज वट इज ट्री कवर इट इंक्लूड्स ऑल पैच ऑफ ट्रीज अकरिंग आउटसाइड आर एफ साइज लेस देन वन हेक्टेयर यानी कि ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट आर से बाहर का एरिया जो साइज़ में एक हेक्टेयर से छोटा होता है जिसमें स्कैटर्ड ट्रीज़ पाए जाते हैं उसको कहते हैं ट्री कवर इस टेबल में आप देख रहे हैं कि टॉप टेन कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है जहां आपका जो फॉरेस्ट एरिया है 2015 के डाटा के अकॉर्डिंग तो रशिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है जो पूरे कंट्री का 48 परसेंट है बहुत ज़्यादा जो एरिया है रशिया का यानी कि ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट एरिया रशिया का फॉरेस्ट एरिया है और नेक्स्ट है ब्राज़ील कैनेडा यूएसए एंड चाइना और जो इंडिया है वो है टेंथ नंबर पर जिसमें कितना परसेंटेज एरिया है फॉरेस्ट एरिया के अंडर ओनली ट्वेंटी टू परसेंट और इस टेबल में आप देख रहे हैं कंट्रीज़ रिपोर्टिंग द ग्रेटेस्ट एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन यानी कि टू थाउजेंड टेन से लेकर टू थाउजेंड फिफ्टीन तक किस कंट्री ने फॉरेस्ट एरिया गेन किया है तो यहां पर देखिए चाइना ने सबसे ज्यादा गेन किया है कितना गेन हुआ है 0.8 परसेंट चाइना ने फॉरेस्ट एरिया में गेन किया है और इंडिया ने कितना किया है इंडिया का हुआ है 0.3 परसेंट नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर वेड बाय ऑल मेंबर्स स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 2015 टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट जिसके अंदर 17 गोल्स होते हैं और 169 टोटल टारगेट्स हैं तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड दो एस हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उन पर काम करती है कौन कौन से गोल्स हैं फोर्टीनथ गोल है लाइफ बिलो वाटर एंड फिफ्टींथ गोल है लाइफ ऑन लैंड फोर्टीन्थ गोल के अंदर जिसमें मैनग्रोव्स का परसेंटेज एरिया चेंज एनुअली और बाइनली इंक्लूड किया जाता है और फिफ्टीन गोल के अंदर क्या है लाइफ ऑन लैंड जिसके अंदर फॉरेस्ट एरिया ट्री कवर इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन ट्री कवर और फॉरेस्ट एरिया ये सब इंक्लूड किया जाता है नेक्स्ट बात करते हैं कि सैटेलाइट डेटा कौन सा यूज किया गया लिस्ट थ्री सेंसर से रिकॉर्डेड डेटा को यूज किया गया था विच इज ऑन बोर्ड रिसोर्स सेट सैटेलाइट इस सैटेलाइट का नाम है रिसोर्स सेट टू और ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आप इस पर सेंसर लगा हुआ है लिस्ट थ्री लिस्ट थ्री की फुल फॉर्म होती है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर जिससे हमें मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज़ मिलती हैं तो पीरियड क्या था जिसका डाटा यूज़ किया गया है अक्टूबर टू दिसंबर 2017 इस टाइम पीरियड का डाटा यूज़ किया गया था और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इस टाइम पर क्लाउड्स कवर होता है जिसकी वजह से जनवरी टू मार्च 2018 सॉरी का डाटा यूज़ किया गया है और फॉरेस्ट कवर मैपिंग के लिए पूरे कंट्री को थ्री जीरो सिक्स सीन्स में डिवाइड किया गया अब देखते हैं फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट कवर को कैनोपी के बेस पे फाइव डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है फर्स्ट इज वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसके अंदर सेवेंटी परसेंट या इससे ज्यादा ट्री कैनोपी डेंसिटी होती है जिस लैंड में वो कहलाते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट और नेक्स्ट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जिसमें फोर्टी टू सेवेंटी परसेंट ट्री कैनोपी डेंसिटी होती है नेक्स्ट इज ओपन फॉरेस्ट जिस एरिया की टेन टू फोर्टी परसेंट के बीच में ट्री कैनोपी डेंसिटी पाई जाती है और जो स्क्रब होते हैं वहां पर टेन परसेंट से कम ट्री कैनोपी डेंसिटी पाई जाती है और नॉन फॉरेस्ट एरिया में ट्रीज नहीं मिलते इट इंक्लूड्स वाटर यहाँ पर इस टेबल में आप देख रहे हैं फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया टू टेबल फॉर्म में दिखाया गया है किसकी जो फॉरेस्ट टाइप है कितने परसेंटेज है उसकी तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं इंडिया में थ्री पॉइंट जीरो टू परसेंट है और जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो है नाइन पॉइंट थ्री नाइन परसेंट एंड ओपन फॉरेस्ट इज़ नाइन पॉइंट टू सिक्स परसेंट तो टोटल फॉरेस्ट कवर हुआ ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट और ये पाई की फॉर्म में दिखाया गया है जैसे वी डी एफ वेरी डेंस फॉरेस्ट थ्री पॉइंट जीरो टू परसेंट इसी टेबल को पाई फॉर्म में शो किया गया है नेक्स्ट मैप में देखते हैं कि फॉरेस्ट कवर मैप ऑफ इंडिया 2019 ये क्या शो करता है फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और जो हिमालयन रीजन है वेस्टर्न घाट्स में फॉरेस्ट पाए जाते हैं और जो ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं आप देख रहे हैं कि राजस्थान हरियाणा पंजाब यूपी इन स्टेट्स में कोई ज़्यादा फॉरेस्ट आपको नजर नहीं आ रहे हैं ये टॉप फाइव स्टेट्स हैं विच आर हैविंग हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा एंड महाराष्ट्र तो आप इनको याद रख सकते हैं आप फर्स्ट थ्री तो आप याद कर ही लीजिए अगर आपको पांच याद नहीं होते हैं तो इसका आप निमोनिक बना सकते हैं जैसे मैक हो गया एम ए सी महाराष्ट्र अरुणाचल एंड छत्तीसगढ़ नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेस्ट कवर बेस्ड ऑन द परसेंटेज तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है कितना है एटी फाइव पॉइंट फोर वन परसेंट उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में सेवेंटी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट देन मेघालय मणिपुर एंड नागालैंड नागालैंड में है सेवेंटी फाइव पॉइंट थ्री परसेंट यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज लिस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर देट इज़ वन पॉइंट फोर सेवन परसेंट चेंज इन फॉरेस्ट कवर टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया का सेवन लैख ट्वेल्व थाउजेंड टू फोर्टी नाइन स्क्वेयर किलोमीटर है जो कितना बन जाता है ट्वेंटी वन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कर्नाटका में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है उसके बाद आंध्र प्रदेश में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और वो मणिपुर में सबसे ज्यादा डिक्रीज नोटिस किया गया है 499 स्क्वायर किलोमीटर का उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 276 सेवेंटी किलोमीटर एंड देन मिजोरम में 180 एटी किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट टोटल टू वन एट ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं ट्वेंटी सेवन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में तो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवर कितना है फोर लैख ट्वेंटी टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी वन किलोमीटर जो कितना होता है कितना बन जाता है थर्टी सेवन पॉइंट फोर फाइव फोर परसेंट बन जाता है इन डिस्ट्रिक्ट्स का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है नेक्स्ट इज टोटल जो फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टोटल फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज वन लैख सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी वन स्क्र किलोमीटर विच इज़ सिक्सटी फाइव पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया आसाम एंड त्रिपुरा को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है मणिपुर में सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन फॉरेस्ट कवर इन दिस रीजन नेक्स्ट इज मैनग्रोव कवर मैनग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं और मैनग्रोव बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं 40% परसेंट ऑफ वर्ल्ड मैनग्रोव कवर इज़ फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में 6.8% पॉइंट एट परसेंट मैनग्रूव कवर मिलता है जिसका थ्री परसेंट इंडिया में पाया जाता है और टोटल मैनग्रोव कंट्री का मैनग्रोव कवर कंट्री का कितना है फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी फाइव स्क्वेयर किलोमीटर विच इज़ जीरो पॉइंट वन फाइव परसेंट ऑफ कंट्रीज़ टोटल जियोग्राफिकल एरिया 2017 असेसमेंट के कंपैरिजन में 2019 का जो असेसमेंट है उसमें जो मैनग्रोव कवर है उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है 1.10 परसेंट का इंक्रीज़ हुआ है और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कवर है 42.45 परसेंट उसके बाद गुजरात में 23.66 परसेंट एंड अंडमान अंदुमा, एंड निकोबार आइलैंड में ट्वेल्व फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी ये नया चैप्टर ऐड किया गया है इस बार असमेंट में फॉरेस्ट टाइप्स एंड बायोडाइवर्सिटी जिसके अंदर चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन 1968 के बेस पे फॉरेस्ट टाइप्स मॉनिटर किए गए हैं ट्री स्पीशीज रिचनेस कहाँ पर सबसे ज्यादा है कर्नाटका में उसके बाद तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश श्रब स्पीशीज रिचनेस इज़ हाइएस्ट इन अरुणाचल प्रदेश एंड हर स्पीसीज रिचनेस इज़ हाइएस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इन तीनों को इन तीनों कैटेगरीज को मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो किसकी आती है अरुणाचल प्रदेश की आती है रिचनेस में और उसके बाद आती है तमिलनाडु एंड कर्नाटका की नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग फॉरेस्ट फायर के नेचुरल कॉजेज भी होते हैं और ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉज भी होते हैं फॉरेस्ट फायर फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाती हैं और पोल्यूशन क्रिएट करती हैं और भी बहुत कॉन्सिक्वेंस होते हैं फॉरेस्ट फायर के द एनालिस शोज दैट ट्वेंटी वन पॉइंट फोर जीरो परसेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज हाईली टू एक्सट्रीमली फायर प्रोन और जो थर्टी सिक्स परसेंट से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है वो फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर की कैटेगरी में आता है यानी कि वहाँ पर जो थर्टी सिक्स परसेंट फॉरेस्ट कवर एरिया है कंट्री का वहाँ पर फ्रिक्वेंट फायरस होती हैं नेक्स्ट देखेंगे ट्री कवर ट्री कवर क्या होता है विच कंप्राइज ऑफ ट्री पैच ऑफ साइज लेस देन वन हेक्टेयर हैविंग स्कैटर्ड ट्रीज यानी कि ट्री आउटसाइड रिकॉर्ड इन फॉरेस्ट एरिया द ट्री कवर ऑफ़ द कंट्री इज एस्टिमेटेड एज नाइन्टी फाइव थाउजेंड जीरो टू सेवन स्क्वेयर किलोमीटर विच इज़ टू पॉइंट एट नाइन परसेंट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया और महाराष्ट्र में ट्री कवर सबसे ज़्यादा पाया जाता है द स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम ट्री कवर आर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर ये एरिया वाइज बताया था हमने और जो परसेंटेज के बेस पे है वो चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा है उसके बाद दिल्ली चंडीगढ़ में कितना है ट्वेंटी टू पॉइंट थ्री फोर परसेंट है दिल्ली में है एट पॉइंट सेवन थ्री परसेंट केरला में है सेवन पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट एंड गोवा में सेवन पॉइंट थ्री फोर परसेंट है नेक्स्ट इज बेंबू रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंडिया में कश्मीर रीजन को छोड़कर ऑलमोस्ट हर जगह पर बैम्बू नेचुरली ग्रो होते हैं बैम्बू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोशल इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन टोटल बैंबू बियरिंग एरिया ऑफ द कंट्री हैज बीन एस्टिमेटेड मिलियन हेक्टेयर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है टू मिलियन हेक्टेयर उसके बाद महाराष्ट्र वन पॉइंट फाइव फोर मिलियन हेक्टेयर देन अरुणाचल प्रदेश एंड देन उड़ीसा टोटल बैम्बू बियरिंग एरिया इन कंट्री हैज इंक्रीज बाय जीरो पॉइंट थ्री टू मिलियन हेक्टेयर एज कम्पेयर टू आई एस एफ आर टू थाउजेंड सेवनटीन असमेंट नेक्स्ट बात करेंगे कार्बन स्टॉक इन इंडियाज फॉरेस्ट तो सबसे पहले कार्बन फॉरेस्ट क्या होता है सॉरी कार्बन स्टोक क्या होता है वो कार्बन जो ट्रीज ने एटमॉस्फियर से एब्जॉर्ब कर लिया है और वो कार्बन अब ट्रीज के अंदर स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास लीटर एंड सोयल पेरिस एग्रीमेंट 2015 के अंडर हर कंट्री के द्वारा अपने अपने कुछ गोल सेट किए गए थे जिनको नेशनली नैश, डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस यानी कि एनडीसी कहते हैं इंडियाज एनडीसी के अकॉर्डिंग इंडिया को अपना कार्बन सिंक इंक्रीज करना है कितना इंक्रीज करना है 2.5 पॉइंट फाइव टू थ्री बिलियन टन्स ऑफ सीओ इक्विवेलेंट और ये किसके थ्रू करना है ये करना है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के थ्रू करना है टू तक टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री हैज बीन एस्टिमेटेड एज सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर मिलियन ट विद एन इंक्रीज ऑफ फोर्टी टू पॉइंट सिक्स मिलियन टन्स फ्रॉम लास्ट असेसमेंट यानी कि फोर्टी टू पॉइंट सिक्स मिलियन टन का इंक्रीमेंट हुआ है कार्बन स्टॉक में ये कार्बन कई डिफरेंट फॉर्म्स में फॉरेस्ट में स्टोर uh, होता है जैसे कि बायोमास की फॉर्म में बायोमास लाइक ब्रांचेस स्टेम्स सीड्स रूट्स एटसेट्रा और लीटर की फॉर्म में भी होता है और सॉयल में भी स्टोर होता है सोयल ऑर्गेनिक कार्बन सॉयल्स आर मेजर कार्बन रिजर्वाइड कंटेनिंग मोर कार्बन देन एटमोस्फीयर सॉयल इज अ लार्जेस्ट पूल ऑफ कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट विच इज एस्टिमेटेड एज फोर मिलियन टन द एसओ सी सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन कंट्रीब्यूट फिफ्टी सिक्स परसेंट ऑफ द टोटल फोरेस्ट कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री कार्बन स्टॉक्स जिन स्टेट्स में सबसे ज्यादा है वो हैं अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक सिक्किम में सबसे ज्यादा है कितना है वन हंड्रेड सेवेंटी वन पॉइंट जीरो फोर टन परेयर नेक्स्ट इज डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट फॉरेस्ट के आसपास जो गांव में लोग रहते हैं वो काफ़ी हद तक अपनी बेसिक नीड्स के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं जैसे फ्यूल वुड फोर्डर एट्सेट्रा वुड कंजप्शन इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा पर ईयर में डिक्रीज हुआ है 5.46 परसेंट का जो शो करता है कि वुड पर लोगों की डिपेंडेंसी कम होती जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम्स चलाई जा रही हैं लाइक उज्ज्वला टू प्रमोट अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंसी को कुछ एक्सटेंड तक कम करेंगे तो आज की वीडियो में इतना ही आपने क्या समझा आज की वीडियो में आप एक समरी के रूप में मुझे कमेंट आ, कमेंट बॉक्स में बताएं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी